हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ठंडाई। ये ठंडाई हम बना रहे हैं बेसिक तरीके से और घर के ही इंग्रेडिएंट्स, मतलब हमारे घर के ही सामान से हम इसे बनाएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले लिए हैं 4 से 5 बड़े चम्मच। मैंने ये बादाम के लिए, इन्हें मैंने रात में भिगो दिया था और छील लिया। अब ये मैंने लिए हैं खरबूजे के बीज। अगर आपके पास तरबूज के बीज हैं आप वो भी ले सकते हैं। इसे भी मैंने भिगो दिया था। इन सबको मैंने एक रात पहले ही भिगो के रखा था। आप चाहें तो 2 से 3 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं। ये काजू है, ये काजू भी मैंने एक बड़े कप लिया है जो कि फूल के दुगने हो गए हैं। और ये है पॉपी सीड्स, इन्हें बोलते हैं खसखस। इसे भी हमने सब कुछ हमने 2 घंटे पहले भिगोए थे। बादाम हमने एक रात पहले भिगोए थे। और ये है काली मिर्च। काली मिर्च अच्छी, अगर हम ज्यादा डालेंगे तो टेस्ट और अच्छा ही आता है इससे, और काली मिर्च का टेस्ट ज्यादा जरूरी होता है। और ये इसमें मैंने लिया है पिस्ता और सौंफ और इलायची। इन तीनों को मैंने बराबर एक एक चम्मच के हिसाब से मैंने इनको भिगो दिया था, तो ये फूल गए हैं क्योंकि इनको फुलाना जरूरी होता है भिगो करके, इसी से ही टेस्ट आता है। और ये लिए मैंने मुनक्के। मुनक्के डालना भी एक बहुत जरूरी है, मुनक्के से एक अलग ही टेस्ट आता है। इसे बोलते हैं बड़ी किशमिश, जिसमें की इलायची, जिसमें बीजे आते हैं। ये मैंने गुलकन लिया है। अगर आपके पास गुलकन नहीं है तो आप इसमें गुलाब की पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं। इसमें हमने डाला है एक जायपत्री। जायपत्री से एक टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने एक लिया है जायफल, जिसे नटमेग भी बोला जाता है। इसे आप अच्छे से घिस लें और इसमें डाल दें। ये हमने इसलिए डाले हैं कि ये अगर हम इसे ठंडी भी पियेंगे तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसान नहीं करेगी, अच्छी रहती है, फायदा करती है ये, अगर हमें थोड़े से मसाले डालें तो। और इसमें हम पानी डालेंगे और पानी डाल के हम इसका बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। ये ठंडाई अगर आप इसे पूरी गर्मी भी पियेंगे तो फायदा ही करती है, और घर के बने सामान से अगर हम इसे बनाएंगे तो और भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया है। बाजार में हमें मालूम नहीं पड़ता कि इसी में क्या मिला है और क्या नहीं, तमाम आइटम मिले होते हैं उसमें। इसलिए आप इसे घर के ही अपने शुद्ध सामान से बनाएं और इंजॉय करें। अब आप देखिए कितना अच्छा इसका पेस्ट बनके तैयार है। अब हम इसे एक छलनी से छान लेंगे। अगर आपके पास अच्छा सा मलमल का कपड़ा है तो आप उससे भी छान सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें अब दूध डाला है। आप चाहे तो इसे पानी से भी घोल निकाल सकते हैं। इसका जो अंदर का जो जितना भी इसमें रस होता है वो आप उसको पानी से भी निकाल सकते हैं। अब ये देखिए मैंने दूध डाल के और थोड़ा पानी डाल के मैंने इसको निकाल लिया है। ये हम इसको अच्छे से घोल लेंगे। ये मर्जी, अगर आप इसमें केसर मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोई कलर का यूज नहीं किया है। ये ओरिजिनल कलर होता है जो हम घर में बनाते हैं ठंडाई का। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है। इसमें मैंने थोड़ा सा गुलाब जल भी डाला है टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अब ये मैंने बूरा लिया है, क्योंकि हमारी जो ठंडाई होती है इसमें चीनी का यूज इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत एकदम बीटरनेस अलग ही टेस्ट आता है, गंदा सा। इसलिए इसमें मैंने बूरा डाला है, वो भी बहुत कम डाला है क्योंकि ठंडाई में ज्यादा मिठास अच्छी नहीं लगती। अब इसमें मैंने दूध डाला है। आपकी मर्जी है आप किस हिसाब से दूध डालना चाहते हैं और कितना डालना चाहते हैं, आप अपनी क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग रख लें। और ये इसमें इस तरीके से देखिए गाढ़ापन आ चुका है, चम्मच में भी दिखाई दे रहा है। अब हम अपने गिलासों में इसे सर्व करेंगे थोड़ा थोड़ा डाल के। देखिए कितनी गाढ़ी बनी है, क्योंकि ठंडाई तो थोड़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। ये ओरिजिनल है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया गया है। और इसके अगर आपका पेस्ट बच जाता है तो आप इसे एक हफ्ते के अंदर में ही खत्म कर दें। उसमें 1 या 2 बार यूज होता है उसका पेस्ट, दूध डाल करके या थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्सी में 1 बार और पीस लें, क्योंकि वो ज्यादा दिन के लिए यूज नहीं किया जाता, वो खराब हो जाता है। अब इसमें मैंने आइस क्यूब डाले हैं, जिसे थोड़ी सी कूल कूल ठंडी ठंडी लगेगी पीने में, क्योंकि ठंडाई तो थोड़ी ठंडी अच्छी लगती है क्योंकि उसका नाम ही ठंडाई है। और इसमें मैंने थोड़ा सा गुलाब की पंखुड़ियों के साथ इसे सजा दिया है। अब आप इसे बनाएं, सर्व करें अपनी फैमिली के साथ, इंजॉय करें, और पूरी गर्मी आप इसे बनाकर पी सकते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन पे बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास ये मेरी रेसिपी सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू।